नीतीश कुमार फर्स्ट मुख्यमंत्री है जो बिहार को आगे बढ़ाया है। नीतीश कुमार के द्वारा देख लीजिए, नीतीश कुमार अभी बैठना चाहिए वही लालू यादव का। पप्पू यादव से हम मिलने चाहते हैं, हम गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, हम वोट तो देंगे इनको आई नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ही क्यों? क्यों, बहुत अच्छा काम किए हैं देहात से लेकर शहर तक। यहाँ राष्ट्रपति शासन चाहिए, जितना है सब चोर है, सब एक पब्लिक को काटने पर लगा हुआ है। शासन लागू हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, कोई नेता ठीक नहीं है, सब भ्रष्ट है, सब अपनी झोली में भरना चाहता है। राजा वही होता है बेटा जो जिसके राज में अच्छा से गरीब कमाता खाता है। मुख्यमंत्री हमको चावल और दाल दे देगा ना तो अमीर नहीं बन जाएंगे। अच्छा विचार, अच्छा संस्कृति, अच्छा हमारा भारत का नीति और नैतिकता होना चाहिए। नमस्कार, मैं सुजाता शर्मा और आप इस समय देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान के राम गुलाम चौक पे। तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वे इस बार का मुख्यमंत्री किसे चुनना चाहते हैं। चाचा आपका नाम? राम किशन दास। तो चाचा आप इस बार का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हम सुनिए, हम इनसे पप्पू यादव से हम मिलने चाहते हैं, हम गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, हम वोट तो देंगे इनका ही, सब कुछ देंगे इनका ही, सब कुछ एक बार देख लेंगे, एक बार हम लोगों का सहायता कुछ मिल जाए गांव में पता करके, तो पता ना जो कितना दिन तक हम रखेंगे और उनको साथ देंगे। लेकिन हम थोड़ा मिलने भी चाहते हैं, हमारा नाम है राम किशन दास, कभी भी हम मिलने चाहते हैं, मिलेंगे। तो आप पप्पू यादव को देखना चाहते हैं इस बार मुख्यमंत्री के पद पे? हाँ जरूर जरूर, बनाएंगे बनाएंगे, हाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन थोड़ा हमारा बात हल हो जाए और गांव समाज को लोग भी देख लेगा जो कैसे इसको हल किए, कैसा आदमी है, तो थोड़ा ये हमारा हल हो जाए सारा काम होगा। हम लोग चाहते हैं, पूरे घर चाहते हैं, 50 वोट है हमारा घर में, और सब इधर उधर भटक रहा है, घर छोड़ के भटक रहा है डर के मारे, एक आदमी के चलते पूरे घर छोड़ रखा है, भागल चलता है इधर उधर, हमें भी नहीं मारते, लेकिन इनका वोट देना देना है पप्पू यादव। नीतीश कुमार को इस बार नहीं, कुमार कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो पानी में हेल हेल के खाना दिया गरीब लोगों का। हम रिक्शे चलाते हैं पटना में, रिक्शे चला के बाल बच्चा को पालते हैं पटना से, आ तब घर में फोड़ के लड़वा के मर्डर करवा दिया। हाँ इनको हम वोट देंगे, सब कुछ करेंगे, थोड़ा हमको इंक्वायरी करवा लें। हमारा नाम है राम किशन दास, घर है पटोरी ग्राम रुपौली, पता कर ले भीम प्रसाद कानू। तो आप इस बार किसे मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ही क्यों? क्यों, बहुत अच्छा काम किए हैं देहात से लेकर शहर तक, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ तो इस बार पप्पू यादव हैं उम्मीदवार, तो आप उन्हें नहीं देखना चाहेंगे? नहीं, कोई नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते हैं। नहीं ना, नीतीश जी का सीट बनेगा? हाँ उसी का सीट बनेगा। क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं बैठ सकते? बाकी लोग क्यों नहीं बनते हैं, काम करके दिखा दिए हैं, जो जो 60-70 साल में नहीं हुआ है, वो रोड बना है, अस्पताल बना है, स्कूल बना है, सब सुविधा हुआ है, इसीलिए विकास का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। हाँ बहुत बड़ा काम किए हैं, बस यही। तो बाकी गरीबों लोगों की तो मदद नीतीश कुमार ने नहीं की? नीतीश कुमार का पार्टी नु कर रहा है, दिल्ली में सब लड़कों का पैसा आ रहा है खाता में, कैसे स्कूल मिल रहा है, खाना मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है। बिहार की बात करें, बिहारी की बात करते हैं, युवा लोग तो ऐसे ही रोड पे भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, तो जनसंख्या के अनुसार ना नौकरी मिलेगा सबको, एक 10 लाख आदमी तो 10 लाख का नौकरी मिलेगा, जगह रहेगा तब ना होगा। तो इस बार आप युवा क्यों नहीं देखना चाहते? चिराग पासवान जी हैं उम्मीदवार, देखिए आपके बेटा है, कुछ बहुत विकास का काम किए हैं, बहुत विकास का। हाँ जी, तो इस बार आप नीतीश को ही देखना चाहेंगे? 100% जीतेगा। हाँ इस बार किसकी सरकार बैठनी चाहिए मुख्यमंत्री पर? अभी बैठना चाहिए वही लालू यादव का सरकार। लालू यादव? हाँ लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव खड़े हो रहे हैं। हाँ, हाँ, आप उन्हें देखना चाहते हैं? हाँ उन्हीं को देखना चाहते हैं हम। तो चिराग पासवान भी तो खड़े हो रहे हैं इस बार? नहीं वो सब ऐसी है, हवा में सब है। तो 15 साल से नीतीश कुमार ने राज किया है, तो उनके राज में आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कोई भी विकास का काम नहीं हुआ? अपना कमा रहे, अपना खा रहे, कहाँ कुछ मिला, फुटपाथ पर कमा रहे। लालू यादव के अगर बेटे आते हैं तो आपको लगता है कि वो कुछ करेंगे? कुछ तो करवे करेंगे। तो लालू यादव के याद को तो गुंडा राज कहा जाता था? वो ऐसी है, गुंडा राज तो अब हो गया नीतीश जी का राज में, अब हो गया तो पहले इतना नहीं था।
लेकिन जहाँ तक सुना गया है वहाँ तक तो कहा जाता था कि लालू यादव का राज बहुत ही खतरनाक राज था, जगह जगह पर रेप, किडनैपिंग, मर्डर, इससे ज्यादा तो अब हो रहा, पहले तो इतना कम होता था। नीतीश के राज में ज्यादा हो रहा है, तो इस बार आप लालू यादव के बेटे को देखना चाहते हैं? हाँ, देखना चाहते हैं। आपका नाम चाचा? विजय शर्मा। तो इस बार आप मुख्यमंत्री के पद पे किसे देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार के द्वारा देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार को क्यों चाचा? क्योंकि उनका तजुर्बा काफ़ी है और वो मुख्यमंत्री किया हुआ, अगर प्रधानमंत्री भी बनते तो पूरा देश को संभाल सकते हैं, उतना क्षमता है उनमें। तो बुजुर्ग में तो पप्पू यादव भी आ जाएंगे, तो बुजुर्ग लालू यादव भी आ जाते हैं, उनके बेटे इस बार खड़े हो रहे हैं। देखिए वो उन लोग का वो हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, हमको कुछ समझ में आता है, लेकिन नीतीश कुमार इज द बेस्ट ऑफ बिहार। सिर्फ नीतीश कुमार जी, आप नया चेहरा क्यों नहीं देखना चाहते? नया चेहरा के पास तजुर्बा नहीं है, ना उतना कैपेसिटी है कि आ सकते हैं, वो बिहार को नहीं संभाल सकते। संभालने के पहले आएंगे तभी तो संभालेंगे। अब मान लिया हमारा बेटा है तो हम जितना हमारा तजुर्बा है उतना हमारा लड़का को तो नहीं होगा। हाँ। तो इसलिए उन लोग उनसे कभी बहुत पीछे हैं, तो मुख्यमंत्री लायक तो नीतीश कुमार ही होंगे, तो उनको आप और मौका देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोबारा आए नीतीश जी। को तीसरा महीना हो गया, अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है, गरीब को घर सब उजाड़ दिया, सब ले लिया सब, तो क्या करें बाबू? अब गरीब तो कौन सा सरकार बैठेगा कि गरीब लोगों का मदद होगा, ये बता सकती हैं? ये हम कैसे बता सकते हैं, अभी एक होगा उम्मीद ना कि हाँ मेरे तेजस्वी जी बैठेंगे या फिर चिराग पासवान बैठेंगे या फिर एक पप्पू यादव है उम्मीदवार में, पप्पू यादव ये लोग गरीब का मदद करेंगे? हाँ, वो तो समय आने पर ना बेटा, समय अब एक ही डेढ़ महीना बच रहा है चाची। हाँ, ज्यादा नहीं बच रहा है, इलेक्शन के टाइम है, इलेक्शन सर पे है, एकदम सर पे इलेक्शन है, अब टाइम ज्यादा इसका नहीं। आप अपना चुनिएगा ना कि हम इसे अपना देखना चाहते हैं इस बार मुख्यमंत्री। हाँ हाँ, जो गरीब को रक्षा करेंगे उन्हीं के ना चुनेंगे? हाँ, गरीब के रहने का घर दिया जाए, सारा शौचालय हलो बेटा, सारा शौचालय, मिनिस्टर के ड्राइवर हलथुन हमार ससुर, 60-70 लाख का संपत्ति नगर निगम कर पोषण ढुलवा दिया, हम लोग के 5 गो दुकान था, सर छिपाने का जगह नहीं है, कहता डीएम से हम बात बोले कि सर मुझको इतना इतना जमीन था, मिनिस्टर का ड्राइवर था, मेरा ससुर सारा जमीन ले लिया है 10-12-14 कट्ठा को, से हमको रोड फुट पर इसी होटल करके जी रहे थे बाल बच्चा के छोटा छोटा, तो बोले कि जैसे कहेंगे वैसे सुनेगी, तो कहे जी सर जैसे कहिएगा वैसे सुनेंगे, तो जाओ कलेक्टर दरखास्त दो, आएगो मुख्यमंत्री दरखास्त, दूगो दरखास्त, तो मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया अभी तक, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, दरखास्त उनको पास दे दिए, कलेक्टर ही भी दे दिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं गरीब के प्रति हो रहा। नीतीश कुमार ने 15 सालों में कोई भी सुविधा गरीब लोगों को नहीं दी? नहीं, कहाँ दिए अभी गरीबों के सुविधा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बेटा, अभी तक कहाँ कुछ कर रहे हैं। तो इस बार नया चेहरा देखना चाहेंगे नीतीश के अलावा? तीसरा महीना राशन कार्ड वो तक तो नहीं देते मिला, नहीं मिला है हम लोग गरीब के, कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है बेटा, ये सब खड़ा है ना, इतना रोड चौड़ा है, फूट मिली है या बिहार सरकार पूरा हुआ से हुआ, उतना निशाना उतना चौड़ाए में चल गया। आप इस बार किसे मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? मैं किसी को देखना नहीं चाहती हूँ, मैं यहाँ राष्ट्रपति शासन चाहिए, जितना है सब चोर है, सब एक पब्लिक को काटने पर लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, कोई नेता ठीक नहीं है, सब भ्रष्ट है, सब अपनी झोली में भरना चाहता है, कुछ नहीं करना, कोई भी नेता नहीं है। इस बार आप क्या वोट नहीं देंगे? नहीं, नोटा पर वोट दबा देंगे, इस साल वोट किसी को नहीं देंगे। नहीं, नीतीश जी बैठना चाहिए मुख्यमंत्री के पद पे? नीतीश कुमार बैठना चाहिए। नीतीश कुमार क्यों? क्यों? इसलिए कि बहुत अच्छा काम किया है गरीबों के लिए। आप नया चेहरा क्यों नहीं देखना चाहते हैं? नया चेहरा देख करके क्या होगा, जो भी आएगा वो गति पड़ोस में आएगा, लेकिन नीतीश कुमार फर्स्ट मुख्यमंत्री है जो बिहार को आगे बढ़ाया है। राजा वही होता है बेटा जो जिसके राज में अच्छा से गरीब कमाता खाता है। मुख्यमंत्री हमको चावल और दाल दे देगा ना तो अमीर नहीं बन जाएंगे। अच्छा विचार, अच्छा संस्कृति, अच्छा हमारा भारत का नीति और नैतिकता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माथा उघार है और घोग तान है, वो बात नहीं होना चाहिए। हमारा देश का राजा वैसा होना चाहिए जो गरीबों को गरीबी समझे, और गरीबी धरती पर कोई होता नहीं है।
अपने आप को गरीब होता है, अपने आप को अमीर होता है। जी हाँ हाँ, एकदम नीतीश कुमार का छवि हम आई है। वो नहीं होना चाहिए कि जो सही है साझे बेटी बहू को और सही है साझे रुपया छीन ले, वैसा नेता नहीं होना चाहिए। स्पष्ट क्लियर है बेटा, मेरे तरफ से ओके है। 70 साल का उम्र लेकर के अभी आलू प्याज बेच करके कमा खा रहे है, 2-4 हजार पॉकेट में है। अगर वही लालू जी का रीजन होता ना, मार के जहाँ के तहाँ छीन लेता। आज वही लालजी टोला है, वही गोरिया टोली है। पढ़ा लिखा हुआ शिक्षित लोग जब पहुँचा है, देश को आगे बढ़ाया है। वो मुरखट्टा वाला कहानी नहीं है बेटा, जो मेरा बोलना था आपको बोल दिया। और पढ़े लिखे हुए का दुनिया है, अनपढ़ जाहिल जाट का दुनिया नहीं है। अगर आप लोग पढ़े लिखे हुए हैं, बेटी जैसा है, बहुत खुशी की बात है। और हमारा यही मांग है बस कि हम गरीब कमाए खाए खुशी से रहे। और ये डाला चावल हमको नहीं चाहिए, सरकार के तरफ से ये सब चीज़ नहीं चाहिए। जो भी हुआ लालू जी जो भी रहे, लेकिन इतना जरूर किए थे कि रिक्शा चालकों के लिए पड़ाव उपलब्ध जरूर कराए थे। न इनमें जो है कि न कहीं रिक्शा चालक का रहने के लिए पड़ाव है और न कहीं घर है। और टेम्पू के इन्होंने ज़्यादा संख्या कर दिए हैं कि हम लोगों का भाड़ा भी कट जाता है। उनके शासन में, लालू प्रसाद जी का शासन में जो था कि टेम्पू जीपीओ गोलम्बर से वो हनुमान मंदिर वाला रोड में नहीं पड़ता था। अब फुलवारी वाला जितना टेम्पू सर है कि सब जो है कि वहाँ पर वह भर ले रहता है। हम लोगों का बहुत समस्या खराब हो गया है जी जी जी। और हम लोगों का शिक्षा, चिकित्सा, यातायात सामान सभी को चाहिए। और संवैधानिक रूप से एक जैसा पक्का के मकान बना करके किसान मजदूर को उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि रहने के लिए हर एक मजदूर को सुविधा उत्कृष्ट मिल सके। तो इस बार लालू यादव के बेटा खड़े हो रहे हैं, तो आप उन्हें देखना चाहेंगे? हाँ हाँ, एकदम जान जीव से देखना चाहेंगे। और हम सब भारत माँ की संतान हूँ, तो भारत के हर संसाधन पर किसान मजदूर दलित का हक अधिकार बरकरार होना चाहिए। आज जिस भारत के खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिस स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, जिसमें कई वीर सपूतों ने अपनी जान के बाजी लगा करके प्राण के न्यौछावर दी है, जिनको मैं श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करता हूँ, जिसे सुफल हमें हमारा वतन मिला है, जिसका हिफाजत करना हम सबका परम कर्तव्य है। जय भारत, जय हिंद।